हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट कॉर्न की टिक्की। तो बस कुछ इंग्रेडिएंट्स चेंज करने से और कुछ टिप्स फॉलो करने से ये इतनी इजीली क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ले लें आप एक कप स्वीट कॉर्न। मैंने यहाँ जो स्वीट कॉर्न लिया है वो बहुत ही ज्यादा नरम है, इसे उंगलियों में मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये आसानी से प्रेस हो जा रहे हैं। अगर आपने जो कॉर्न लिया है वो कड़क है तो आप उसे एक सीटी कुकर में पहले उबाल लें। तो 4 से 5 चम्मच कॉर्न छोड़कर आप बाकी कॉर्न को मिक्सर में दरदरा पीस लें। आप पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लें और उसमें ये पेस्ट डाल दें। याद रखिएगा कि आपको इसे दरदरा ही पीसना है, आप इसे काफी बारीक मत पीसिएगा। अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी हो तो आप इसे चम्मच से निकाल लें या फिर छन्नी से छान लें। तो मैंने इसमें से 2 चम्मच कॉर्न का जो पानी निकला था वो निकाल लिया है और उसमें फिर आप डाल दें 2 इंच टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और 1 से 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। उसके बाद आप उसमें डाल दें 1/2 शिमला मिर्च। तो मेरे पास पीली शिमला मिर्च रखी हुई थी, मैंने वो डाला है। अगर आपके पास हरी या लाल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप डाल दें उसमें 1/2 कप किसा हुआ गाजर। तो सारी सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाती है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि इसमें सब्जियां हैं। फिर यहाँ आप डाल दें 2 मीडियम आकार के उबले हुए आलू जिसे मैंने पहले अच्छे से मैश कर लिया है। तो मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो पहले कॉर्न हमने बचाया था वो भी आप इसमें मिक्स कर लें। तो अब बारी आती है सारे मसाले डालने की। तो इसमें पहले आप डाल दें अपने स्वाद के अनुसार नमक। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, इसे हम थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। उसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाना है तो आप उसमें कटे हुए काजू और किशमिश भी मिला सकते हैं। टिकिया बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 कप ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड के स्लाइसेस को आप मिक्सर में पीस लीजिएगा तो आपका ब्रेड क्रम्स रेडी है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पर टोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो आप ब्रेड क्रम्स डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर प्रॉपर शेप में टिकिया नहीं बन रही है तो आप इसमें और भी ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। टिकिया बनाने के पहले आप हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें ताकि ये आपके हाथ से चिपके ना। और बस इसे हमें छोटे छोटे पेड़े के शेप या फिर जैसे हम आलू की टिकिया बनाते हैं वैसे ही कुछ शेप का बनाना है। हाथों के बीच में इसको रखकर आप थोड़ा सा प्रेस करें और इसे गोल आकार दें। फिर एक प्लेट में आप सारी टिकिया निकाल कर रखते जाएं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार करके बताती हूँ। कुछ इस तरीके से आप लें लड्डू के शेप का और फिर इसे दोनों हाथों के बीच रखकर हल्का सा प्रेस करें। आप इसे ज़्यादा प्रेस करके ना बनाइएगा। तो 6 से 7 टिकिया आप बनाकर रेडी रख लें। जी नहीं, इसे अभी हमें फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर आप 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स और ले लें और ये जितने टिकिया हमने बना के रखा है उसे इसमें अच्छे से लपेट लें। इससे टिकिया बाहर से खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची कुरकुरी होती है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो तवे को रखें आप मीडियम फ्लेम में और उसमें आप डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। तो यहाँ मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि ये कम तेल में बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो जब तेल गर्म हो जाए आप सारी टिकिया को हल्के से इसमें रख दें कुछ इस तरीके से। तो ये टिकिया बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ये बहुत ही फटाफट बनकर रेडी भी हो जाते हैं। तो घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए या बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाने का मन हो तो आप ये टिकिया एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और 2 मिनट पकने के बाद आप इसे अच्छे से पलट लें। तो दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। मेरे बेटे को तो ये खाने में बहुत ही पसंद है और उसे पता भी नहीं चलता है कि इसमें गाजर है, शिमला मिर्च है और वो फटाफट खा लेता है। तो बच्चे ही क्या, बड़ों को भी क्रिस्पी चीजें खाना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर आप इसे निकाल कर टिश्यू पेपर में रख लें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और आप यहाँ चम्मच की सहायता से कुछ इस तरीके से इसे आसानी से पलट सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी। आप हरी चटनी या सॉस के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इस रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।